गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी, जिसमें से इंटरनल एनर्जी को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम ई से और यू दोनों ही साइन से दिखा सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम ई से भी दिखा सकते हैं और यू से भी दिखा सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को ई और यू दोनों से ही दिखाया जाता है। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई सब्सटेंस ग्राउंड स्टेट में रखा हुआ होता है, जैसे आप बैठे हुए हैं या आपकी टेबल है या आपकी कुर्सी है, इस प्रोसेस में उसके पास में कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को ही हम इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो अब इंटरनल एनर्जी क्या हुई? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ग्राउंड स्टेट का मतलब है रूम टेम्परेचर। नॉर्मली कोई अगर सब्सटेंस रखा हुआ है और उस सब्सटेंस में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो इंटरनल एनर्जी कई सारी एनर्जी का सम होता है। तो यू में हम मोस्टली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड कर लेते हैं। मींस इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम है, या हम कहें हम इसमें सारी ही वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सो ऑन। तो जितनी भी एनर्जी है हम उन सारी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड करते हैं। सिर्फ एक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं करते और उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल एनर्जी। और ये जेई के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी को। दूसरी बात, जो मोनो एटॉमिक गैस है उसमें कौन सी एनर्जी होगी? मोनो एटॉमिक गैस में सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी होती है और वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना? तो दो बातें आप याद रखना। तीसरी बात, जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मींस है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अलग अलग रास्तों से जाएंगे तो तीनों ही रास्तों पर वर्क डन अलग अलग होगा। अगर इसकी इंटरनल एनर्जी ई वन है और इसकी एनर्जी ई टू है, तो दोनों तीनों ही रास्तों पर इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस सेम आएगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम फर्स्ट रास्ते से गए हैं या सेकंड से गए हैं या थर्ड से गए। तो दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तीसरी बात, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है डिपेंड अपॉन अमाउंट पर। जब कोई क्वांटिटी अमाउंट पर डिपेंड करती है तो फिर वो इंटेंसिव नहीं एक्सटेंसिव क्वांटिटी होती है। तो अब अगला पॉइंट आ गया कि इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टीज है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिपेंड अपॉन अमाउंट। तो कैसी प्रॉपर्टीज हुई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये अमाउंट पर डिपेंड करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद होनी चाहिए वो है कि इंटरनल एनर्जी जो है
वो टेम्परेचर का फंक्शन है। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना, क्या इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल ई वैल्यू और डेल यू वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को जीरो ले लेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल रिएक्शन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और जब चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो हो जाएगा। अब आया क्वेश्चन कि हम इंटरनल एनर्जी को कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है कैलकुलेट इन बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है ना। हम इसको बॉम कैलोरीमीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉम एक नाम है और कैलोरीमीटर एक एपरेटस को कहते हैं, जिसमें हम किसी सब्सटेंस के फिक्स अमाउंट को बर्न करके देखते हैं उससे कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, और फिर उसको 1 मोल में, जो 1 किलो में, जितने में चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉम कैलोरी मीटर में अगर हमको डेल्टा ई निकालनी है तो डेल्टा ई बराबर होगी क्यू, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम डेल्टा बी जीरो है। तो डेल्टा बी जब जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो होगा, और जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर हो जाएगी। अब क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड, जेड यहां पर है हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी। जब हमने उसमें 1 ग्राम सब्सटेंस को बर्न किया तो उससे उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और इनटू डब्ल्यू कितना सब्सटेंस लिया और ये उसका मोलर मास। अगर हमने 1 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम की कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये है इंटरनल एनर्जी को निकालने का एक्सपेरिमेंटल तरीका। इंटरनल एनर्जी को केवल हम स्टेट फंक्शन से ही निकाल सकते हैं, मतलब ये इनिशियल और फाइनल पर ही डिपेंड करेगी। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में काम आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो होती है। ये बात अगर आपको याद नहीं होगी तो फिर न्यूमेरिकल निकालने में परेशानी होगी। तो हमने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यू देखी है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बाद वापस से डील करेंगे। क्लियर? तो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को किसने दिया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को मेयर और हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था, ठीक है। तो जो जिसने ये लॉ प्रपोज किया उसका नाम था मेयर और दूसरे का नाम था हेल्महोल्ट्ज़, और जूल ने इसको जस्टिफाई या एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। 10th क्लास में एक पैडल एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम पैडल को हिलाकर देखते हैं कि इतना वर्क डन करने पर वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है। तो जब जेम्स जूल ने, या जूल ने ये देखा कि अगर हम 4.18 जूल वर्क करते हैं तो उससे 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में क्या कहते हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब एक एनर्जी गायब होगी तो दूसरी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। नंबर सेकंड स्टेटमेंट। नंबर सेकंड स्टेटमेंट हमने कई बार सुना है और सब जानते हैं कि ये लॉ गीता से चुराया गया है। गीता में हम कहते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही पैदा होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस स्टेटमेंट को फॉरेनर लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, क्योंकि आत्मा ही एनर्जी है, तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो ये इसका दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, व्हेन एवर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर, जब कभी भी एनर्जी की एक फॉर्म डिसअपियर होगी तो दूसरी इक्वल फॉर्म रीअपियर हो जाएगी। यहाँ पर आकर कुछ देर बाद कुछ बच्चे पूछते हैं, जब आत्मा फिक्स है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है? तो जब अर्थ बनी होगी तो गॉड ने सारे लोग बनाए होंगे काउंटिंग के हिसाब से, 10 कुत्ते, 10 हाथी, 10 सुअर, 10 बकरी, 10 आदमी। अब क्या हुआ? आदमियों ने जानवरों को मार दिया। जानवरों को मार दिया तो वो जानवर ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कुछ जिसके अंदर कुत्ते की जैसी आत्मा आई वो लगातार भौंकता रहेगा, ठीक है ना? जिसके अंदर बंदर की आत्मा आएगी वो बंदर जैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव होता है कि आत्मा ना तो मरती है ना पैदा होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हम आगे बढ़े, देखते। तो थर्ड स्टेटमेंट था, जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसिपेयर होगी तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी रीअपेयर हो जाएगी। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, दोनों की रिएक्शन से H2O का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और इसमें 286.5 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस हो। अगर हम इसी H2O को ब्रेक करेंगे तो ये H2+ ½O2 में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें डेल्टा E की वैल्यू जस्ट उसके अपोजिट 286.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो जब एक एनर्जी रीअपेयर होगी तो दूसरी डिसअपेयर हो जाएगी, या केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पर हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे देखते हैं? हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 ले रखी है। हमने इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की, क्योंकि हमने सिस्टम को क्यू एनर्जी दी है तो सिस्टम को केमिस्ट्री में कुछ भी देते हैं तो वो पॉजिटिव ली जाती है, तो ये क्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस क्यू को देने में हमने सिस्टम पर W वर्क किया, क्योंकि हमने वर्क डन सिस्टम पर किया है तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो अब जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो जाएगी और E2 बराबर होगी E1+Q+W के। अगर हम इस E1 को इधर ले जाए तो ये हो जाएगी E2-E1=Q+W और इसमें हम डेल ही लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डब। यहां पर सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो ये फॉर्मूला बदलकर Q-W हो जाएगा।
अगर इन दोनों फॉर्मूले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला आ जाए और यही दो फॉर्मूले दिए हो तो बेटा इस वाले को सही कर देना, माइनस डब्लू वाले को सही कर देना, क्योंकि उसने इतना इजी क्वेश्चन इसीलिए दिया है कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये माइनस डब्लू आएगा, ठीक है ना। वहां वो आपको मेंशन नहीं करेगा कि सिस्टम ने वर्क किया है या सराउंडिंग ने वर्क किया है। अगर सिस्टम का वर्क नहीं दिया हो, कॉमन पूछे, तो माइनस डब्लू वाले को आपको टिक करना है, क्योंकि प्लस डब्लू करने से आपके नंबर कट जाएंगे चाहे आपने सही किया हो। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने वर्क डन में पढ़ा था कि डब्लू बराबर माइनस पी डेल भी यूज किया जाता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में ये रख दूं तो देखना हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल वी, यहाँ डब्लू की जगह। और अगर मैं इसको क्यू रख लिखूं तो क्यू तो यहाँ लिख दिया, इस पार्ट को अगर मैं इधर लाता हूं तो जो माइनस पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल्टा बी। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से वापस से इंटरनल एनर्जी को ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि क्या फंक्शन या कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हटा दिया है और अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन से हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो पार्ट में या दो तरीके से या दो कंडीशन पर चेंज कर सकते हैं। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी? एक होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरी होगी कांस्टेंट प्रेशर। हम सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम केमिस्ट्री की बुक देखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में जो भी वैल्यू दी होती है उसमें मोस्टली डेल्टा एच का सिंबल ही दिया होता है, डेल्टा ई का सिंबल कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेचर का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमें प्रेशर को कांस्टेंट करने की नीड नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो उसकी एंथैल्पी में चेंज माना जाता है, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज करते हैं तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी पर चेंज माना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस बेसिस पर ही आते हैं। वो हमसे कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतना हीट चेंज हुआ, तो अब हमें समझ जाना है कि वो इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहा है। और अगर वो कहे कांस्टेंट प्रेशर पर इतना हीट चेंज हुआ तो हम डेल्टा एच मान लेंगे। तो एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर करने के या एनर्जी के दो मोड हैं, इंटरनल एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर। मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी एंथैल्पी बदलेगी, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा पढ़ते पढ़ते वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए कुछ लोग पढ़ते पढ़ते मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग पढ़ते पढ़ते पतले हो जाते हैं। अगर कोई पढ़ते पढ़ते मोटा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें वर्क डन नहीं कर रहा है, और अगर कोई पतला होता जा रहा है तो इसका मीन्स है कि वो वर्क डन कर रहा है। तो ये तो रही जनरल बातें। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इंटरनल एनर्जी को ट्रीट कर, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल वी की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं इसमें डेल वी 0 रख दूं और यहां पर वी लटका दूं तो इसका मतलब है हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो क्यू बी इज इक्वल टू डेल ई प्लस और पी इंटू 0 हो जाएगा।
तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई वर्क डन करेंगे, ठीक है ना, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई करेंगे, तो वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करेगा। ये ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम उस कांस्टेंट वॉल्यूम पर उससे हीट लेंगे, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी। और उसका रीजन है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन नहीं होता है। तो अगर किसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम जो भी एनर्जी उसको देंगे या लेंगे वह उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। अब हम आते हैं कांस्टेंट प्रेशर की तरफ। अगर हम किसी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर किए गए चेंज को हम एंथैल्पी का चेंज बोलते हैं, और इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का वापस से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, क्यू पी लिख दिया, और ये पी बता रहा है कि हम हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं। ई टू की डेल्टा ई की जगह मैंने ई टू माइनस ई वन रख दिया और पी, और इसकी जगह बी टू माइनस बी वन रख दिया, क्योंकि पी कांस्टेंट है इसलिए पी रहेगा, डेल पी नहीं है इसलिए जीरो नहीं हो। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल क्यू पी इज इक्वल टू ई टू प्लस पी बी टू, ठीक है ना, माइनस ई वन और पी प्लस पी बी वन। इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है उसको कहते हैं एंथैल्पी। तो ये हो जाएगी एंथैल्पी 2 और ये हो जाएगी एंथैल्पी 1, और फाइनली ये बराबर हो जाएगी क्यू एच के बराबर। क्लियर। तो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करता हूं तो हीट सप्लाई करने पर क्लियर। तो हम फिर से देखते हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं कोई हीट सप्लाई करता हूं तो उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज किया, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चेंज किया तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। एक बच्चा कहता है कि भैया ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की वीडियो बनाई जाए, तो मैं आज कोशिश करूंगा बनाने की, नहीं तो कल डेफिनेट आपके लिए एक 12th प्रैक्टिकल के लिए ऑर्गेनिक की वीडियो डालने की कोशिश कर, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, क्लियर। तो हम चलते हैं और देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, अब हम उससे आगे के न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डील नहीं किया था, तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी को मिलाकर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, एक सिस्टम है और इस सिस्टम ने क्यू को एब्जॉर्ब किया, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 500 जूल। एक सिस्टम ने 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उसके बदले में 25 मतलब 25 जूल वर्क सराउंडिंग के ऊपर किया है,
तो जो क्यू है वो तो सिस्टम को मिले है, और इसके बदले में सिस्टम ने वर्क डन किया है 25। क्योंकि सिस्टम ने वर्क डन किया है तो हम इस वर्क डन को नेगेटिव लेंगे। अब क्वेश्चन है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव 500 हो जाएगी, जबकि वर्क डन जूल में -25 होगा। और जब -25 होगा तो इस प्रोसेस में डेल्टा ई का चेंज 475 जूल हो जाए। क्लियर। हम देखेंगे फिर एक नया एग्जाम्पल। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक सिस्टम ने 2000 किलो जूल, नहीं 2000 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जूल एब्जॉर्ब किया तो मैंने सिस्टम की तरफ उसका एरो बना दिया है, और ये क्यू हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर। अब क्या हुआ, और ये प्रोसेस हमने किया था 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, और जब हमने उसको 2000 जूल एनर्जी दी तो उसका जो वॉल्यूम था वो 0.1 लीटर से बढ़कर 10 लीटर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इंटरनल एनर्जी पे चेंज क्या आएगा। क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है इसलिए वर्क डन नेगेटिव। अब यहां पर देखो, इंस्टेंट पढ़ते समय किसी भी फॉर्मूले को यूज करना आसान है, लेकिन जब हम कई पार्ट पढ़ चुके होते हैं तब खूब सारे फॉर्मूले हमारे सामने होते हैं, और तब फॉर्मूले को सेलेक्ट करना ही अकलबंदी है। तो मैंने आपको वर्क डन के वीडियो में बताया था कि अगर रिएक्शन में क्वेश्चन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल जैसी कोई चीज नहीं दे रखी है तो फिर हम ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले पर शिफ्ट हो जाएंगे, और एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में मैंने आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल जैसी चीज नहीं बोली है, तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। माइनस साइन डिफॉल्ट आएगा। प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम 10 लीटर हुआ 0.1 से, और इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर दे। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2005.74 जूल, और माइनस में वर्क डन आएगा। तो वर्क डन माइनस में 2005.74 जूल हो जाएगा। अब हम इसको रखेंगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमको इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्यू 2000 जूल दी है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 2000, और वर्क डन है 2005.7 जूल। क्लियर। इन सबको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5.74 जूल आंसर है। क्लियर। तो हमने यहां पर इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन किए हैं, जिसकी हेल्प से हम, ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ आने के चांस है, जो हमें फाइनली नीट या जेई या 12th या 11th, जो भी आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में ही फायदा करेगा। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट डब्लू क्यू और डेल, ये हमें तीनों कैलकुलेट करनी है। कंप्लीट
कब कैलकुलेट करनी है? जब 0.75 मोल आइडियल गैस, हमारे पास 0.75 मोल आइडियल गैस है, उसको हमने एक्सपेंड किया आइसोथर्मली एंड रिवर्स। हमने आइसोथर्मली और रिवर्सिबली उसको एक्सपेंड किया एट 27 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है ना। कहां से कहां तक? फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ From volume of 15 liter to 25 liter। अब देखो, मैंने आपको बताया isothermal reversible। Isothermal reversible अगर ये शब्द लिखा हो तो work done calculate करने के लिए इस formula का यूज करते हैं, log V2 minus V2 oblique V1 और P1 by P2। तो -2.303 मोल की जगह 0.75। कोई बता सकता है कि यहाँ पर R की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमें वर्क डन जूल में निकालना है, तो जूल में R की वैल्यू 8.134 होगी। टेम्परेचर 27 डिग्री है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 हो जाएगा। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना नहीं आता तो 27 को 273 में ऐड कर दें। लॉग वॉल्यूम फाइनली हो गया है 25 लीटर और पहले था 15 लीटर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। लॉग 5 की वैल्यू 0.6990 होती है और लॉग 3 की वैल्यू 0.74770 होती है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी -955.5, ठीक है ना, और जूल, क्लियर। तो हमारा वर्क डन आ गया। अब हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर कहीं पे ये वर्ड शब्द लिखा हुआ हो, ये वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो आइसोथर्मल में डेल्टा ई की वैल्यू 0 होती है। तो ये बात हम बिना कैलकुलेट करे ही निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो गई, W हमने निकाल ही लिया है, तो अब Q भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? E = Q + W। यहां पर हम वर्क डन के वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो ये पार्ट तो हो गया 0 और ये हो गया Q = -W, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट करी तो Q = -955.5, तो ये हो गया +955.5 जूल। इस तरह हमने इसमें W, Q और डेल्टा E तीनों ही चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आज हम इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट थर्मोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स को पूरा खत्म कर देंगे। तो कल 3 बजे आप आ सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स